पिछले सारे पेपर्स दा जिन्हें मैं कलेक्ट कर सकता सी बाकी स्टेट्स दे भी कलेक्ट कर सकता इस सेंटर दे सी टेट भी कलेक्ट कर सकता सी उन्हां दा एनालिसिस कीता है ते ये लगदा है कि पेपर क्वालिफाई करना बहुत औखा नहीं है। हां जदों टाइम घट होवे तां स्ट्रेटजीज चेंज हो जांदियां हन इस समय विच जिदां टाइम घट है तो तुहानूं प्रीवियस पेपर ते ज्यादा फोकस करना चाहिदा है पर प्रीवियस पेपर ते असी किस तरह फोकस करदे हां ओहदे विच फर्क है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए उसदे चार ऑप्शन है 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके ते असी की करदे हां हमेशा राइट आंसर लब्भन ते फोकस कर रहे हैं जिसनों रिस्पांस ओरिएंटेड अप्रोच कहंदे ने पर मेरी है अप्रोच रैशनल ओरिएंटेशन अप्रोच कि असी सिर्फ ए ना देखिए कि किसी क्वेश्चन का राइट आंसर की है उसने नाल नाल ए भी देखिए कि राइट आंसर ते पहुंचन दी रीजनिंग थिंकिंग की है। ठीक जे साड़ी रीजनिंग पावर सही डेवलप हो जाती है तो असी लगभग 90% तो वध क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जे असी एक क्वेश्चन का एक आंसर लभ लेने हाँ तो असी पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर अप्रोच ते ही रह जाने हाँ। मैं चाहना हाँ जनरल टू पर्टिकुलर अप्रोच ते जाया जावे। इस वीडियो विच असी सिर्फ ना सिर्फ प्रीवियस पेपर डिस्कस करांगे उस दे विच आने वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जेडे नेक्स्ट तुहाडे पेपर विच पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करांगे। ओहदे नाल नाल स्ट्रेटजीज कुछ होणगियां कि क्वेश्चन नूं रीड किवें करना है फोकस किवें करना है राइट आंसर ते पहुंचण दीआं लगभग 10-12-15 स्ट्रेटजीज हन उसते अलग वीडियो बना देवांगा तुहाडे पेपर तो थोड़े दिन पहला। तो ये नाल नाल चलेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच होएगी सिर्फ नॉलेज नहीं नाल प्लस स्ट्रेटजीज भी होणगियां। अच्छा हुण डिपेंड करता है कि ऑलरेडी तुहाडी नॉलेज लैवल किन्ना है। ठीक नॉलेज लेवल क्यों वेरी करता है क्योंकि बीएड किस तरह तुसी कीती है असी सारे जानते हाँ इंडिया का हाल ईवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने दस दिता है कि बच्चे सिर्फ एग्जाम के दिनों में पढ़ के देंदे हैं। दूसरा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस किन्ना है कि तुसी पहला एक या दो या तीन बार पेपर दे चुके हो नैचुरली उन्होंने एक्सपीरियंस है जिहड़े फ्रैश बीएड या ईटीटी डीएलएड करने वाले ने उन्हां को एक्सपीरियंस टीईटी का नहीं है दैट इज वाई उन्हां लई यह बेस्ट अप्रोच है कि 15 दिनों 20 दिनों 10 दिनों जे वो सारी इस तरह तैयारी कर लेंगे थोड़ी रीजनिंग कंसैप्ट स्ट्रैटेजी नाल नाल लैके चलते हैं तो उन्हां दी अच्छी तैयारी हो सकती है। नाल नाल मैं कंसैप्ट क्लीयर करांगा तुसी कमेंट बॉक्स विच नाल कमेंट करके ये पूछ सकते हो कि सर ये कंसैप्ट या ये क्वेश्चन मेरा है तुहाडी पार्टिसिपेशन ते डिपेंड करेगा कि तुसी किन्ना तैयारी करना चाहते हो। सो पहला क्वेश्चन है द बेस्ट मैथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड बच्चे की वृद्धि के विकास के अध्ययन करने के सब तो वधिया तरीका की है। मैं पेन चुन लिया है एक गल याद रखनी है जेकर तुहाडा ऑफलाइन एग्जाम है तो तुसी उस चीज नू अंडरलाइन कर सकते हैं ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट क्योंकि ग्रोथ डिवेलपमेंट का पार्ट है असी डिवेलपमेंट इतने अंडरलाइन कर लिया है इतना औखा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेस्ट मैथड टू स्टडी स्टडी का इतने की मतलब है स्टडी का मतलब है कि जे मान लो रिसर्च करनी है ते जदों भी डिवेलपमेंट ते रिसर्च या स्टडी करन दी गल आवे असी कदे भी प्याजे नू जेड़िया वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थ्योरी है मैं ये दस रहा हाँ कि किसी भी क्वेश्चन दे रूट लेवल ते जाना है तो प्याजे को वाइगास्की को कोलबर्ग को जाना पड़ेगा। हुण ये तिन्ने थ्योरियां डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं प्याजे भी वाइगास्की भी कोलबर्ग भी। ठीक जे तुसी इसका आंसर सीधा लेना है क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंटल अप्रोच उन्होंने प्याजे का रिसर्च का मैथड की सी डेवलपमेंटल स्टडी सी थोड़ा जहा इस वधा के दस दिना हाँ सॉरी कट करना पैना इधर जावे हाँ अच्छा प्याजे की अप्रोच डिवेलपमेंटल डिवेलपमेंटल रिसर्च जिसनों कह दें स्टडी करना डिवेलपमेंटल रिसर्च दो तरह ना स्टडी हो सकती है एक क्रॉस सैक्शनल ठीक है दूसरी है लोंगी ट्यूडनल ओके
क्रॉस सेक्शनल दे विच मन लो तुसी एक 2 साल का बच्चा लिया है, एक 4 साल का बच्चा लिया है, एक 6 साल का बच्चा लिया है, एक 8 साल का बच्चा लिया है। ये बच्चियां दा कोई मन लो थिंकिंग तो तुसी कंपेयर करना है, तुसी थिंकिंग दी इस दी एवैल्यूएशन करदे हो, इस दी एवैल्यूएशन करदे हो, ते इना दोना नू फिर कंपेयर करदे हो कि इहदे विच की चेंज आया है, फिर इस दा कंपैरिजन नेक्स्ट नाल करदे हो। फर्क की है क्रॉस सेक्शनल विच सैंपल जेड़ा है, यूनिट जेड़े बच्चे जेड़े चुने जांदे हन ओ वक्री वक्री एज दे चुने जांदे हन, ते सैंपल नेचुरली ये ज्यादा होएगा। लोंगिट्यूडनल रिसर्च विच मान लो जिद्दां प्याजे ने कीता सी कि उसका पहला बच्चा होया उसने उसनू 10, 12, 13, 14 साल तक मान लो इवेलुएट किया, दूसरा बच्चा होया उसनू फिर 14 साल तक इवेलुएट किया, तीसरा बच्चा होया उसनू फिर 14 साल तक इवेलुएट किया। सेम बच्चे नू हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल लगातार इवेलुएट किया जाता है, इत्थे जबकि उल्टा है। सो ए चीज जेड़ी है टाइम बचाने लई है, ठीक, ते ए टाइम कंज्यूमिंग है, पर ए फंडामेंटल रिसर्च दा एक बेसिक तरीका है, क्योंकि असि जानते हैं कि प्याजे ने कोलबर्ग ने भी इसे तरह जिहड़ी रिसर्च कीती है। सो डेवलपमेंटल मेथड जिहड़ा है उस दिया दो इस नूं कंपैरेटिव मेथड नाल भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक, ते लोंगिट्यूडनल जिहड़े हन इहदे विच सेम सैंपल नूं लगातार कंपेयर कीता जा सकता है। अगले क्वेश्चनां विच, अगले पेपरां विच अजिहे क्वेश्चन आ सकदे ने, क्योंकि कोई एक वीडियो दस्सांगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पिछले क्वेश्चनां तों वक्खरे तरह आणे आ। मैं नेक्स्ट ते जावांगा, वापस चलते हैं क्वेश्चन ते। अच्छा, बेस्ट मेथड, बेस्ट नू भी अंडरलाइन करांगे के क्योंकि बाकी मेथड भी है, हुन कंपैरेटिव मेथड भी है। बेस्ट क्यों है, क्योंकि उदे नाल असी बड़ी गहराई नाल जो है एक होर चीज नू समझ लेना चाहिदा है। डाटा किन्नी तरह दा हुंदा है, डाटा एक क्वालिटेटिव हुंदा है, एक क्वांटिटेटिव हुंदा है। क्वांटिटेटिव डाटा केड़ा है, जेड़ा नंबरां विच है, 1, 2, 3, 4, 5 जिवें स्टैंडर्डाइज टेस्ट विच है, अचीवमेंट टेस्ट विच है, क्वांटिटेटिव डाटा है, इह तुहाडे आंसर ही बन रहे ने। क्वालिटेटिव डाटा जेड़ा डिस्क्रिप्शन विच हुंदा, स्टेटमेंट्स विच हुंदा है, जेड़ा असीं बोल के करदे हां। प्याजे अपनी गुड़िया नूं पुछते हुंदे सन कि चंद्रमा किथे गया है, रात नूं चंद्रमा किथे चला जांदा है, जदों तुहानूं नींद आ जांदी है ते की चंद्रमा हुंदा है, कि तुहानूं जदों ड्रीम आंदे हन ता उदों ड्रीम किथों सुपने विच जिहड़ी सुपना आंदा है ओह बाहरों आंदा है, तुहानूं किते अंदरों आंदा है, आकाश चो आंदा है, जिवें उहनां दी बेटी कहिंदी हुंदी सी। सो इह जिहड़ियां जिन्नियां वी गल्लां हन, इह गल्लां जिहड़ियां हन क्वालिटेटिव हन, ते क्वांटिटेटिव जस्ट तुहाडे कोल स्कोर आ जांदा है। क्वालिटेटिव क्योंकि डाटा सी सारा, डिवेलपमेंट दा सारा डाटा जिहड़ा है क्वालिटेटिव है। देखो तुसी डिवेलपमेंट, क्योंकि जदों असीं कहिंदे हां कि डिवेलपमेंट क्वालिटेटिव है, लेकिन ग्रोथ जिहड़ी है क्वांटिटेटिव है, पर ग्रोथ इहदा पार्ट है। सो डिवेलपमेंट क्वालिटेटिव ते क्वांटिटेटिव दोन्ही हन, पर डोमिनेट क्वालिटेटिव का आस्पेक्ट करदा है, इह वी याद रखण वाली गल है। जेकर आस्पेक्ट क्वालिटेटिव ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो फिर असी रिसर्च दा मेथड भी क्वालिटेटिव ही ज्यादा लगावांगे, जिहड़ा के लोंगिट्यूडनल रिसर्च विच बेटर है। जे असी बाकी मेथड नाल कंपेयर करिए, साइको एनालिटिकल मेथड जिहड़ा सिगमंड फ्रायड ने दिता सी, नंबर एक सिगमंड फ्रायड ने जो मेथड दिता सी, उन्होंने मेंटली इल परसन जिहड़े डिसऑर्डर सी, जिन्हां नूं बहुत ज्यादा स्ट्रेस सी, डिप्रेशन विच सी, अबनॉर्मल हो चुके सन, उन्हां दी इंटरव्यू करके उन्हां नूं ठीक करन दी कोशिश कीती सी, ते उन्होंने कारण की दस्सिया सी कि जिहड़ा अनकॉन्शियस माइंड है, जिवें आइसबर्ग दे असीं देखदे हां कि पानी विच डुब्बी हुई बर्फ जिहड़ी है ਉਹ 10% ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 90% ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 90% ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ 90% ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ
फ्रायड ने किस तरह किया मतलब स्टडी की के उसने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स फ्री एसोसिएशन टेस्ट ड्रीम एनालिसिस अजिहा जिहड़ा है पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये काफी सब्जेक्टिव है ठीक जबकि ए भी ऑब्जेक्टिव है ए भी ऑब्जेक्टिव है ए भी ऑब्जेक्टिव है स्टैटिस्टिकल असि क्यों रिजेक्ट कर दिता स्टैटिस्टिकल इसलिए क्योंकि ये नंबर विच है एक दो तीन चार क्वांटिटेटिव है क्वांटिटेटिव सारा मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड होएगा जिथे नंबर सिस्टम होएगा जिथे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होएगा जिथे अचीवमेंट टेस्ट होएगा जिथे तुहाडे टेस्ट की स्कोरिंग एक दो तीन चार पांच छे सात आठ इहदे विच आएगी उत्थे स्टैटिस्टिकल टेक्नीक अपलाई होंगे स्टैटिस्टिकल मैथड होएगा सो यह ग्रोथ से जिहड़े हो सकता है क्योंकि साडा डाटा क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव नहीं है डिवेलपमेंट का ठीक के बच्चे की थिंकिंग किदा चेंज होंगी है प्याजे ने यही शिफ्ट किया कि क्वांटिटेटिव अप्रोच तो क्वालिटेटिव अप्रोच वाल शिफ्ट किया स्टोरी है जो प्याजे नूं पढ़ावांगा उदों सारी स्टोरी तुहानूं दस्सांगा कि किवें वो बिने साइमन जिहड़ी उहनां दी टेस्टिंग लैब सी इंटेलीजेंस टेस्ट दी लैब सी रीडिंग टेस्ट बना रहे सन ते किवें उहनां ने उहनां दे राइट आंसर तो जिवें शुरू विच दस्सिया है राइट आंसर तो फोकस होके रोंग आंसर ते शिफ्ट कर दिता ते उहनां नूं एक दिन लैब छड्डणी पई क्यों छड्डनी पई क्योंकि क्वांटिटेटिव नालों क्वालिटेटिव ते एरर्स एनालिसिस ते फोकस कर रहे सन ते क्योंकि क्वालिटेटिव है डेवलपमेंट डोमिनेट करता है क्वांटिटेटिव उहदा छोटा पार्ट है इसलिए क्वांटिटेटिव मैथड बेस्ट नहीं हो सकता ठीक हुण आ गया कंपैरेटिव मैथड कंपैरेटिव मैथड दे पिछे गल कर रहे हैं क्रॉस सैक्शनल भी रिसर्च भी हो सकती है ठीक है उहदे विच तुसीं सैंपल चेंज कर दिंदे हां जदों सैंपल चेंज करदे हां तुसीं इह नहीं समझ सकदे कि की उहनां बच्चियां नूं होर किसे वेरीएबल ने भी इफेक्ट कीता है जदों प्याजे ने अपने ही बच्चियां नूं स्टडी कीता है तां उहनां कोल अज दे दिन दीआं फाइंडिंग्स है रिजल्ट्स हैगे कि बच्चा किद्दां सोचदा है ते अज तों 6 महीने बाद बच्चा किद्दां सोचदा है अज तों साल बाद बच्चा किद्दां सोचदा है उह उसदा कंपैरिजन जिवें इत्थे देखिया है असीं उसदा कंपैरिजन उसदे नाल ही हुंदा है उही बच्चे दे नाल हुंदा सेम सैंपल नाल कंपैरिजन हो रहा है दैट इज वाई क्वालिटेटिव मैथड क्वालिटेटिव डाटा है और इन डेप्थ स्टडी है और सेम सैंपल नूं असीं स्टडी कर सकते हाँ इसलिए राइट आंसर डायरेक्ट बनता है मैं इतना सारा एनालिसिस किया एक क्वेश्चन ते इतना टाइम लगा दिता लेकिन एक ये क्वेश्चन बनाने वाले की वीकनेस तुहानूं दस दवां सिंपल क्लू साफ मिलता है कि डिवेलपमेंट और डिवेलपमेंटल मैथड ठीक इथे लोंगिट्यूडनल रिसर्च पाना चाहिदा सी क्रॉस सैक्शनल जां लोंगिट्यूडनल पाना चाहिदा सी कंपैरेटिव नूं चेंज कर फिर इसका थोड़ा अच्छी असैसमेंट इस क्वेश्चन ने करनी सी ठीक सो नाल नाल मैं तुहानूं क्वेश्चन दीआं वीकनेसेस भी दसांगा वीकनेसेस नाल इह पता लग जाएगा कि तुसीं वीक क्वेश्चन नूं जे फड़ लैंदे हो बिना नॉलेज दे आंसर मिल जांदा है इह करना पैणा है सॉरी इह दसना नहीं चाहिदा इक कौम इस तरह तरक्की नहीं कर सकती एक देश इस तरह तरक्की नहीं कर सकता पर क्यों क्योंकि ना पढ़न वाला घट पढ़न वाला नॉलेज तो बिना वाला जे कोई गैस या तुक्के लगा के अगे निकल जाता है तो माड़ी गल है जे तुसी मेहनत करते हो प्लस तुहानू गैस वर्क भी लगाना पैना है इंटलैक्चुअल रैशनल लॉजिकल गैस लगाना पैना है उहदियां तरकीबां दसांगा दूसरा क्वेश्चन है सोशलाइजेशन हुण पहले पहला कंसैप्ट कि सोशलाइजेशन देखो एक टेक्नीक है कि जदों तुसी स्टेम नूं पढ़दे हो इस नूं स्टेम कहिंदे हन जदों इहनूं पढ़दे हो ते नाल ही तुसी उसदा आंसर सोचण लग जांदे हो कि सोशलाइजेशन की है कि जन्म तो इमीडिएट बाद बच्चा सोसाइटी दे नॉर्म्स नूं सोसाइटी दीआं आदतां नूं सोसाइटी दे अच्छे गुणां नूं सोसाइटी दे एक्सेप्टेबल बिहेवियर नूं जिहड़ा लर्न करना शुरू कर दिंदा है पर हैरानी वाली गल है कि जन्म तो एक दिन दा बच्चा भी यस करना शुरू कर दिंदा है एक अद्धी थ्योरी तो यह भी कहती है कि सोशलाइजेशन मां दे पेट विच भी शुरू हो जाती है क्योंकि एक अद्धी थ्योरी है दैट इज वाई उसनूं प्रीनेटल आंसर विच नहीं लेके जा सकते जन्म तो ही शुरू हो जाती है मैं क्यों दस रहा हाँ क्योंकि ये एक आंसर होएगा काफी बार कई स्टेट दे टेस्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोशलाइजेशन शुरू कदों होंदी है सोशलाइजेशन
जन्म तो शुरू हो जाती है, खत्म कदों होती है, डेथ ते ही खत्म होती है, मर्द दे दम तक। मैं एक गल दसदा कि सोशलाइजेशन जिवें कि बच्चा रोंदा है, छोटा बच्चा है, वह हॉस्पिटल में है, इधर है, बहुत रो रहा है, माँ उसनू चुप कराती है, चुप कर जा, उसनू इधर उधर बाहर लैके जाती है, मतलब उस वक्त भी उन्हें यह सिखाने की कोशिश की जाती है कि सारे लोग जब पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, दैट इज वाई यू मस्ट स्टॉप, तो असी मिलके उहदे लई कुछ करते हैं, ठीक है, ज्यादा वो बच्चा नहीं कुछ करता, असी करते हैं, पर उन्हें सिखाना असी शुरू कर दें। डैथ बैड से जाके देखिए, एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हाँ, बर्थ टू डैथ, जो पेशेंट मर रहा होता है, मान लो चीका मार रहा है, पर उसनों समझाया जाता है, उसनों डॉक्टर उसनों अच्छा पेशेंट नहीं मानते जनरली, कि जो बहुत ज्यादा वो कर रहा है, चीका मार रहा है, तड़प रहा है, ठीक है, रिएक्शन आ ही जाते हैं, अपने रिश्तेदार रिएक्शन आ जाते हैं, ईवन मरना किवें है यह भी एक सीखने प्रक्रिया है। सो बर्थ टू डैथ समाजीकरण की प्रक्रिया है। अच्छा, कि तो सीखते हाँ, असी समाज के हर मैंबर तो सीखते हाँ, क्वेश्चन इज वेरी इजी, परिवार तो, स्कूल तो, हमरुतबा, पीयर तो, है ना, सब तो सीखते हैं, कोई भी सोशल मैंबर उस तो असी सीखते हाँ कि बिहेव किवें करना है, सीखते किदा है, जां उसनू देखते हाँ, ऑब्जर्व करते हाँ, मॉडलिंग के जरिए यह क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, वह सानू रीइनफोर्स शाबाश रिवार्ड देंदे हन, उदों असी सीखते हाँ, असी शाबाश, कोलबर्ग की सारी थ्यूरी इत्थे आ सकती है जो मॉरल रीजनिंग की है, ठीक, असी अपने साथियों तो सीखते हाँ, स्कूल सानू फॉर्मली सिखाया जाता है, परिवार विच इनफॉर्मली सिखाया जाता है, सब तो पहली संस्था कहड़ी है जो सोशलाइजेशन करवाती है, वह परिवार है। मेरे ख्याल एक क्वेश्चन तो मैं 5-7-8-10 क्वेश्चन तुहाडे नाल डिस्कस कर ले हां। सो इसका आंसर है कि ये सारे ही सीखने प्रक्रिया में शामिल हैं सोशलाइजेशन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट कोरस्पोंडिंग टू सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल। मैं क्या सी कि सब तो पहले की कम करना है, अंडरलाइन कर लेना है, सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल, असी प्रोक्सीमोडिस्टल ते सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल नू जानने लई बड़े कन्फ्यूज हो जाते हाँ। एक नुकता दसना हाँ, जो सिफेलोकॉडल आया, सिफेलो, सिफेलो का मतलब जे हिंदी च लिख दे हो सिर लिख लो, जे पंजाबी च लिख दे हो सिर लिख लो, हिंदी च इंग्लिश भी सिर याद रखो, बस इन्ना याद रखना है। यह तकनीक की है? अच्छा, यह तकनीक की है, मान लो बच्चा है, ठीक, ये बच्चा है, ठीक, इस दियां बाहां लगा दिंदे आ, चलो, क्योंकि इसकी दूजी बांह लग गई, ओके, जानबूझ के इस तरह बनाया गया है, एरो ले लैने हाँ, सॉरी पहला इसनों इहदा कुछ सोहना लगे, चलो जी। हुण सिफेलोकॉडल है तो सिर याद रखना है, सिर का मतलब है सिर तो थले वल नू, ठीक है, सिर तो पैरां तक, ठीक है, तो प्रोक्सीमोडिस्टल नू, प्रोक्सीमोडिस्टल नू याद रखने की जरूरत नहीं है। जदों सिफेलोकॉडल सिर तो पैरां वाला है, इन्ना याद रख लिया, तुसीं कहो कि दूसरा प्रोक्सीमोडिस्टल या दूसरा जिहड़ा प्रिंसिपल है वो सेंटर तो साइडां वालों, सेंटर तो साइडां वालों, इसनों ब्लैक नाल कर दिंदे आ, इस तरह याद रखनी। सो जो तुसीं सिफेलोकॉडल याद रखिया है, सिफेलोकॉडल की एग्जाम्पल भी दे दिंदा हाँ, इसनों डिटेल विच फिर कर सकते हैं, ईवन प्री नेटल विच भी हुंदा है, पोस्ट नेटल विच भी, इत्थे गल नहीं करांगे। सब तो पहला छोटा बच्चा जमदा है, उसका कुछ भी कंट्रोल नहीं है, जस्ट कुछ भी, उसनों छड़ दो, कंट्रोल नहीं है। फिर कुछ महीनों बाद वो सब तो पहला पैरां नूं कंट्रोल करता है या सिर नूं कंट्रोल करता है? सब तो पहला वो सिर नूं कंट्रोल करता है, ठीक, फिर उहदी गर्दन कंट्रोल हुंदी है, ठीक, फिर उदा धड़ इस नूं कंट्रोल करता है, ठीक, फिर वो अपने इस हिस्से नूं कंट्रोल करता है, कंट्रोल मीन कि जिधर वो मूवमेंट करना चाहता है जां अपने सिर नूं संभालना चाहता है, अपनी गर्दन नूं संभालना चाहता है, संभाल सके, इहदा मतलब कंट्रोल है।
अच्छा फिर वो अपनिया लेग्स नू कंट्रोल करता है, लास्ट ते अपने फीट नू कंट्रोल करता है। अच्छा फीट देवी आ लालो भी आ आ आ आ आ, फिर वो फिंगर नू देखो किड्डा छोटा बच्चा सारा पैर हिलाएगा, लेकिन आज तुसी एक फिंगर भी हिला सकते हो अपने पैर भी, हुन नहीं मैं दिखा सकता सॉरी। इत्थो सब तो पहला कंट्रोल किड्डा हो गया सिर, फिर डाउनवर्ड हौली हौली आने हाँ प्रोक्सीमो डिस्टल विद सेंटर पहला कंट्रोल होंदा है लास्ट दे ए फिंगर दी टो, उसी तरह जिदे उपर तो थले आए हाँ इतने सेंटर तो इधर जगह हाँ। तो एनी गल है इहदे नाल संबंधित 2500 क्वेश्चन सिमिलर आ जाते हैं। वापस चलते हाँ, ये हो गया बच्चे का विकास। हुन सानू पता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेफेलोपोड लर्नर डिवेलपमेंट फ्रॉम हैड टू फुट, ठीक है सिर तो हैड, बाकी फुट टू हैड कोई नहीं होंगी, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं दिसदी, एक प्रोक्सीमो डिस्टल है। नन ऑफ दीज वैसे पा दिता गया, उन्हों को ऑप्शन नहीं सी कोई लिखने लिए, क्वेश्चन बनाने वाले की वीकनेस सामने आ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले जिन्ने स्टडी की है 80-90% कोई मेहनत नहीं की गई क्वेश्चन बनाने, इस उहदा फायदा तुसी ले जा सकते हो। पिछले जो पास हुए विद्यार्थी है वो ज्यादा श्रेय जा रहा है क्वेश्चन पाने वाले आते हैं। हाँ अगली वीडियो च एक गल दसांगा कि नैक्सट पेपर च क्वेश्चन नैशनल ते स्टेट लैवल दे वक्खरे क्यों आने हैं खास तौर पर पंजाब दे। अच्छा डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू, ठीक डिफरेंसेस इन एनवायरमेंट, डिफरेंसेस इन हेरिडिटी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट सेपरेटली, ठीक है एनवायरमेंट की है हेरिडिटी की है, हेरिडिटी असं जानते हाँ कि चलो बोर्ड पर जाने हाँ एक दो तीन ये ठीक है ठीक। हेरिडिटी हेरिडिटी मीन कलर बदल के वाला कर लेंगे, हेरिडिटी का मीन है कि जीन्स जीन्स तो जो ट्रेट थानू मिलते थोड़े बालों का रंग अखां का रंग शरीर का रंग हाइट किन्नी होएगी डिजीज केड़ी कदों होएगी सारा कुछ एक प्रोग्रामड है। ये जीन्स कितों आते हैं जो इमीडिएट मापे जड़े हैं पिछलियां दे भी हैं इमीडिएट जड़े माता पिता हैं उन्हां तो कंसैप्शन गर्भधारण के दौरान जेडे सैल सिलैक्ट होंगे क्रोमोजोम के रूप में जेडे है वह पास ऑन होंगे। सो हैरिडिटी जो मिल गया वो फिक्स हो गया ठीक। अच्छा हैरिडिटी की हो सकती है बहुत गुड भी हो सकती है कि बहुत अच्छा रंग है अखां दी तंदुरुस्ती है डिजीज ना होने वाले मापे है ठीक है हेल्दी ने बहुत, दूसरा कमजोर है डिजीज वाली है इसनू बैड कह दिता है ठीक है। ये हैरिडिटी हो गया वेरिएबल वेरिएबल मान लो ठीक है, ते ए हो गए लेवल लेवल वन लेवल टू ज्यादा भी बन सकते हैं इतने दो लेवल। इसे तरह एनवायरमेंट जो जन्म हो आ गया सोशल एनवायरमेंट किस तरह का फैमिली का कल्चर है आदतां हन किदां दी एजुकेशन स्कूलिंग मिली है किन्नियां किताबां मिलियां किन्ना पैसा मिलिया खान पीन नूं किन्ना अच्छा मिलिया हाँ इस वो भी की है गुड स्कूलिंग बैड स्कूलिंग है, इसलिए एनवायरमेंट गुड ते बैड दो तरह का असीं रख लिया है ठीक। हुण उह कहिंदे है कि कल्ला गुड ए वाले डिफरेंस ये डिफरेंस तुहाडे सामने आ गए ए जदों कल्ला कहा गया है कि कल्ले एनवायरमेंट फर्क पाउंदा है इत्थे देखो तुसीं कि डिफरेंस इन एनवायरमेंट इहदा मतलब की है कि डिफरेंस इन एनवायरमेंट गुड एनवायरमेंट ते बैड एनवायरमेंट नाल ही सिर्फ फर्क पैंदा है ठीक। दूसरा की है कि गुड जीन ते बैड जीन नाल ही फर्क पैंदा है ठीक। तीसरा है इत्थे देखो कि इन्हां दे विच्चों गुड हैरिडिटी है ते उन्हों स्कूलिंग परिवार कल्चर बहुत अच्छा मिल गया सब तो बेस्ट ज्यादा नंबर किहदे बन रहे हैं गुड प्लस गुड मिलके इसनूं की दईए नंबर बेस्ट ओके बैड इधरों बैड वर्स्ट ठीक है सब तो माड़ी ए जिहड़ी बैड हैरिडिटी ते गुड एनवायरमेंट ए मिडल मिड और ए भी बैड एनवायरमेंट बट गुड हेरिडिटी ए मिडल ठीक है।
ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਬੇਸਿਕ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੀਈਟੀ ਜਿੰਨੇ ਬੀਐਡ ਹੈ ਡੀਐਲਐਡ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੈਡ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਬਲੌਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਬਲੌਕ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਬਲੌਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਇੰਟੂ ਗੁਣਾ ਹੈ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਔਨ ਕੀ ਹੈ ਔਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਲਰਨਰ ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬੋਥ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਟਰੈਕਟ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਸੀ ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇਚਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੇਚਰ ਵਰਸਿਸ ਨਰਚਰ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨਰਚਰ ਨੀਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਗੁੱਡ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਦ ਟਰਮ ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਨ ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕਿਹਦੇ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਧਰ ਔਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਵੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਹੈ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਚਲੋ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣ ਲੈਣੇ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵੈਗੋਸਤਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਗੋਸਤਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਗੋਸਤਕੀ ਮੀਨ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੋਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਐਰਿਕਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੈਗੋਸਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਜੈਨੈਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜੈਨੈਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੈਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਕਲਚਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਓਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
फॉर्मल एजुकेशन दे बिल्कुल विरोध सी, जिहड़ा सोशल सिस्टम साडा हमेशा हुंदा है। तुसीं परिवार च इनफॉर्मल हुंदे, तुसीं पीयर ग्रुप च फ्रेंड्स विच इनफॉर्मल हुंदे हो, तुसीं किते जा रहे हो आ रहे हो चौंक विच खड़े हो बाजार विच इनफॉर्मल है, ठीक है। उत्थे कुछ भी फॉर्मल, फॉर्मल मीन के उत्थे दे कोई रिजिड रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक उद्देश नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है खास तौर पर, ठीक। जिथे टाइम टेबल, जिथे फॉर्मल इनफॉर्मल आवे, टाइम टेबल नूं जरूर याद रख लेना। स्कूल विच टाइम टेबल है वो फॉर्मल है। जो फॉर्मल एजुकेशन प्याजे ने तो रिले क्लासरूम नूं भी इनफॉर्मल बनाया है, याद रखने वाली गल है। उसने सॉरी वाइगोस्की ने, वाइगोस्की दी क्लासरूम विच शोर आएगा, तुहाडी क्लासरूम शोर नहीं आएगा। इंडिया दे क्लासरूम प्रिंसिपल टीचर पसंद नहीं करते, जे शोर आ रहा है उसनु दबांदे है चुप कर जो, लेकिन वाइगोस्की कहेगा बोलो, लेकिन मीनिंगफुल, लेकिन सीखने लिए, लेकिन जेड़ा एम ऑफ ऑब्जेक्टिव जा एम ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉपिक जा लेसन जा टास्क है, ठीक। तो फॉर्मल बिल्कुल विरोध हो गया। प्रोडक्ट ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन बिल्कुल असी जानते हाँ कि प्याजे दिया अडेप्टेशन प्रोसेस दिया दो एक्टिविटीज हैं। मैं चार चीजा तुम्हें दस दती हैं, नंबर एक प्याजे, नंबर दो अडेप्टेशन प्रोसेस, नंबर तीन के अकोमोडेशन असिमिलेशन दोनों एक्टिविटीज हैं। एक्लिब्रेशन एक शब्द आएगा, वो फोर्स है, एनर्जी है, एक ड्राइव है, ठीक। कर लेने हैं क्योंकि पेन नू साथ रखना है, फिंगर नू साथ रखना, विच इज नॉट वन ऑफ देम। मैं अपने स्टूडेंट्स नू एक याद पक्की चीज दिती हुई है, जो भी गार्डनर जा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आती है तो एकदम उन्होंने की याद रखना है, गार्डनर तो गार्डनर गार्डन विच चले गए, गार्डन विच की सी नेचर, ठीक है, नेचर, और उसने नेचर नू देख के तुसी की किया, बिस्मिल्ला ये नेचर, ठीक। इसनू तुसी एक शब्द क्यों सिखाया गया, एक मिनट इथे बैक चलते हाँ, ए तोड़िया सेवन इंटेलिजेंसेस ने ए नाल हाँ ऐसा, ठीक। बिस्मिल्ला ये नेचर, एन फॉर नेचर कर लेते हैं, ठीक। बिस्मिल्ला ये नेचर, हुण इन्हां नूं तुसी एसोसिएट करके याद रख सकते हो कि एट इंटेलिजेंस केड़ियां उसका की मीनिंग है। पेन बी तो बॉडी किनस्थेटिक एरिया, बॉडी किनस्थेटिक कितने है, बॉडी किनस्थेटिक इंटेलिजेंस। आई तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरी आई तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा आई तो इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, बी तो बॉडी सी है ना, बॉडी किनस्थेटिक, ठीक। एस तो स्पेशल, एम तो म्यूजिकल, ओके, एम तो दूसरा मैथमेटिकल लॉजिकल मैथमेटिकल भी याद रख सकते हैं। ए आई हो चुका है, ए वाला ई इधर आ चुका है। एल तो लिंग्विस्टिक, ठीक है, ए दा कुछ नहीं है, एन दा नेचर है। सो ए इंटेलिजेंस है, सत दसियां असी अठ याद कर लिया हैं। सो उहदे विच सीधा आंसर तुसी लभ सकते हो, बिस्मिल्ला ये नेचर, ये गल याद रखनी है केड़ी इंटेलिजेंस, स्पेशल आ चुकी है, इंटरपर्सनल आ चुकी है, लिंग्विस्टिक आ चुकी है, इमोशनल इंटेलिजेंस उधर विच नहीं आ रही, दैट इज वाई दिस इज दी आंसर। इमोशनल इंटेलिजेंस बारे भी दो चार क्वेश्चन आ सकते ने, इनफॉरमेशन दे देना हाँ। इमोशनल इंटेलिजेंस जेड़ी क्वाइन टर्म की गई, सब तो पहला यूज की गई है टर्म, ओ पीटर सॉल्वे ते जॉन मेयर ने की है, कदों 1990 विच क्वेश्चन आ सकता है, किसने की, कदों की, दो क्वेश्चन बन गए। पॉपुलराइज किसने की, गल याद रखनी है, जे पॉपुलराइज कहते हैं तो क्वेश्चन बदल जाना है, पॉपुलराइज की है गोलमैन ने, ठीक, 96 विच। इन्होंने आई क्यू ना इसका ई क्यू का कंपेरिजन किया है,
80% क्या है कि सक्सेस विच ईक्यू कंट्रीब्यूट करता है। सक्सेस मीन जो हैप्पीनेस फॉर लाइफ है। आईक्यू जॉब एंट्री लिए इन्होंने क्या सी, जॉब च एंट्री करन ले जरूर चाहिदा है, लेकिन जॉब च एंट्री करन तो बाद तुहानू अच्छे रिश्ते, एक दूजे दा साथ, एम्पैथेटिक होना, अपनियां सॉफ्ट स्किल्स जिहड़ियां जरूरी हन, वो सारियां लगभग सॉफ्ट स्किल ईक्यू विच आ जांदियां हन। सो ओ जॉब तो बाद दी खुशी तुहाडे लई ज्यादा मायने हन, क्योंकि उस नाल मेंटल हेल्थ ठीक रहिंदी है, तुहाडा लाइफ स्पैन लंबा हुंदा है, हेल्दी लाइफ जीउंदे हो, रोज खुश रहिंदे हो। सो हाई आईक्यू वाला बंदा ज्यादा सक्सेसफुल है लाइफ विच, ए गवर्नमेंट ने कहा सी, बशर्ते कि आईक्यू, इन्हे ये नहीं कहा कि आईक्यू जीरो है, आईक्यू नु 20% वेटेज लगभग दित्ती है और ईक्यू नु 80%। ठीक, एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। जदों ट्रू आ गया उसको अंडरलाइन जरूर करना है। सब तो पहला नुक्ता है ट्रू, रॉन्ग नहीं, इनकोरेक्ट नहीं, एक्सेप्ट नहीं, ये गलत याद रखनी है। विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस, दो शब्द में अंडरलाइन कर रहे हैं, इन्होंने क्या है, एडजस्टमेंट, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, इंटेलिजेंस एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इंटेलिजेंस की जिन्नियां भी परिभाषावां हन तीन कैटेगरी च वंडिया जांदा है, एक है एडजस्टमेंट नाल रिलेटेड, एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नाल रिलेटेड, दूसरी लर्नर। तीसरी कंसेप्ट असी ब्रीफ विच समझ लैंदे हां, इस नूं कट करके उधर जाने हां। एडजस्टमेंट की हुंदी है, एडजस्टमेंट है कि तुसी मान लो मेल हो फीमेल हो, तुसी हो सेल्फ, सेल्फ हो गया, और दूसरा हो गया एनवायरमेंट, ये रेड ना बना लेने हैं एनवायरमेंट, क्योंकि खतरनाक भी हो सकता है। अच्छा, खास तौर पे न्यू एनवायरमेंट जो तुसी आउंदे हो, पुराने एनवायरमेंट चाहे तुसी एडजस्टेड ही चलते हो, जो तुसी कोई नवा एनवायरमेंट आता है नैचुरली उन्हें इंटरैक्ट करना पैंदा है, जो एनवायरमेंट तुहाडे नाल मैच नहीं करता, जो एसिमिलेशन ते अकोमोडेशन ते अडैप्टेशन प्रोसेस विच पड़ा के पिया जाएगा, उदो भी यही एग्जाम्पल चलेगी। जो न्यू एनवायरमेंट आता है नैचुरली उदो स्ट्रेस आ जाती है। ठीक है, स्ट्रेस आंदी है, तो ये स्ट्रेस नु घटाना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो, रिड्यूस करने लिए दो ऑप्शन हैं, आइदर चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ, जब अपने आप नु चेंज कर लो, दूसरा है चेंज द एनवायरमेंट। ठीक है, मोस्टली तीसरा है कि तुसी ना खुद चेंज होवो ना एनवायरमेंट चेंज होवे, उत्थे माल एडजस्टमेंट होगी, माल एडजस्टमेंट होगी, वो प्रॉब्लम चिल्ड्रन या प्रॉब्लम पर्सन बनने शुरू हो जाते हैं। सो अपने आप नू चेंज जेडे जां थोड़ा एनवायरमेंट नू चेंज करके एडजस्ट कर लेंदे हैं, इट मीन्स उन्हां दी इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है, थ्योरी जां डेफिनेशन मन्या जांदा है। एक होर तरह के पर्सन होंदे हैं जेडे सिचुएशन जां छोटे एनवायरमेंट नू चेंज जां अपने आप नू चेंज नहीं करदे। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए, वो राय बदल जाते। सोशल रिफॉर्मिस्ट होंगे ने, जिन्हें राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा इस तरह दी बुराइयां नू खत्म किया, गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध है, इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए हैं। ये सारा ढांचा ही वड्डा ढांचा सोशल चेंज का वड्डे का कारण बनते हैं। ठीक है, ये तुहाडे क्वेश्चनां दा एक बेस है। दूसरा ही के एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू लर्न नो भी थोड़ा जा समझ लेना चाहिदा है। एबिलिटी टू लर्न मीन चेंज, उथे भी चेंज सी इथे भी चेंज है। जदों मैं पहली वीडियो बनाई सी मैं कहा सी कि चेंज एक अजिहा शब्द है जिहड़ा सारा थ्रू आउट इस पेपर च चलेगा। चेंज कादे विच, बिहेवियर च। ओके, बिहेवियर दे केड़े केड़े आस्पेक्ट विच, फीलिंग जां इमोशन विच, थिंकिंग च, थिंकिंग विच, और तुहाडी जिहड़ी एक्शन विच। ठीक, रिलेटिवली परमानेंट मोस्ट अप्रूव्ड डेफिनेशन है, ड्यू टू एक्सपीरियंस। ठीक, जिहड़े लोग चेंज अपने विच अजिहे बिहेवियर विच अपनी फीलिंग थिंकिंग या एक्शन विच कर लेंदे हैं स्पीड नाल, बड़ी जल्दी तेजी नाल, इट मीन्स वो ज्यादा इंटेलिजेंस होंगे, ये कह रहे ने। ये सारे तुहाडे आंसर बन रहे ने, मैं याद दिलाना, जेडे ज्यादा एक दिन दे विच एक बंदे ने 10 चेंज लिआंदे, दूसरे ने 20 चेंज लिआंदे, इट मीन दायरा ओहदा कॉम्प्रीहेंसिव है, वो ज्यादा चीजा लर्न कर रहा है। ठीक, तीजा आस्पेक्ट,
कि ज्यादा इफेक्टिवली जां विद एक्यूरेसी, दो शब्द वर्त सकते हैं, 1 2 3 10+10 करना है, एक्यूरेसी जो एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो ये राइट आंसर एमसीक्यू की है, राइट आंसर कितने राइट आंसर है, जिंदगी एमसीक्यू नहीं है, गल याद रखनी है। सो जेड़ा चेंज अपने बिहेवियर विच, अपनी थिंकिंग एक्शन फीलिंग दे विच बड़ी स्पीड नाल ते बड़े ज्यादा चेंज ते बड़े एक्यूरेसी नाल आउंदा है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट मन्या जांदा है। तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो असीं पियाजे दी फोर्थ स्टेज पढ़नी है ता असी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दी ही गल करनी है, जे नहीं ता तुसी अपने मैथ दिया ताड़ा मेजर पोर्शन मैथ दा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाला ही चल रहा है जो तो तुसी उदियां प्रॉब्लम सॉल्व करदे हो। हाँ कदे कदे कंक्रीट हुंदा है जो ज्योमेट्री है जा कंक्रीट प्रॉब्लम ना एसोसिएट करके मैथ नूं पढ़ाया जांदा है, कोई कोई टीचर पढ़ांदा है, सारे नहीं, लेकिन जनरली बोर्ड ते सिंबल सिस्टम सिंबल दे नाल ही तुसी लर्न कर रहे हो, रियलिटी नहीं है तुहाडे कोल, ठीक। ओ सिंबल सिस्टम जिहड़ा चल रहा है मैथ विच ओ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दा एक ओ है। सो ये तिन्ने ही ठीक हन, ऑल ऑफ दीज इहदा आंसर होएगा। नेक्स्ट है जी, चाइल्ड थिंक लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स करैक्टरिस्टिक गिवन बाय पियाजे। मैं की कीता, सब तो पहला अंडरलाइन कीता थिंक लॉजिकली, नंबर एक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, तीजा पियाजे, मैं सीधा गया थ्योरी प्याजे को, प्याजे दी थ्योरी दिया चार स्टेज हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, इस स्टेप दस रहे हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ प्याजे थ्योरी। नंबर एक दो थ्री एंड फोर, ठीक। मैनू याद है कि थर्ड ते फोर्थ स्टेज बच्चा लॉजिकल लॉजिकल सोचता है, ठीक है। एज की है 7 ईयर तो, ठीक, ट्रांजिटरी ट्रांजिशन का पीरियड है, लॉजिकल ही सोचता है, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट्स चाहिए हैं। जे नहीं तो तुसी एक शब्द वर्त्या है इन्होंने कंक्रीट, छोटा कर देने हैं कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब है जिसनों अखा ना देख सकते हो, जिसनों हाथ नाल टच कर सकते हो, ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट्स। सो लॉजिकल है विद ऑब्जेक्ट है, सानू राइट आंसर सीधा मिल गया है, पर असी नाले भी जान लेने हां कि इत्थे विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, वी पंजाबी वाला वी पाया, आल्सो मतलब के कंक्रीट प्लस एब्स्ट्रैक्ट जो लॉजिक है इथे डिवेलप फोर्थ विच हो जाता है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग डिवेलप हो जाती है, इथे इंडक्टिव होती है बट विद ऑब्जेक्ट्स है, इथे लॉजिक है जिसको प्री ऑपरेशनल भी किया जाता है, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, क्या जाता है, इट मीन्स प्री इंडिकेट क्या करती है कि ऑपरेशन मीन, ऑपरेशन मीन लॉजिक, लॉजिक फॉर्मल लॉजिक और प्री ऑपरेशनल, प्री मीन विदाउट लॉजिक से तो पहला, इट मीन्स एरर्स बच्चा बहुत करता है, लॉजिकल एरर्स, ठीक, इतने ऐसी एररफुल लॉजिक है उसके को, इतने तो सिर्फ सेंसरी मोटर स्टेज है, इसको क्या जानता है, सेंसेस मीन पांच ज्ञान इंद्रियां और मोटर मीन एक्शन, एक्शन नाल ही बच्चा बाहरले संसार को समझता है, इतने सिंबल्स नाल भी समझना शुरू कर देता है, दैट इज वाई सिंबॉलिक स्टेज भी इन्हें कहा जाता है। सो सानू आंसर मिल चुका है, पर असी और 5-7 आंसर नाल डिस्कस कर ले हां, अगे चलते हां। नेक्स्ट है साडा राइट आंसर ए मिल गया है, ठीक। अदरवाइज वेरी सिंपल, जे नहीं थ्योरी पढ़ी तुसी, ऑब्जेक्ट्स नू फड़ो, ऑब्जेक्ट की होंदे, कंक्रीट होंदे, दैट्स ऑल। Which of the following does not belong to category of coping strategies? Coping नूं अंडरलाइन करांगा, coping is more important phase. मैं एक स्ट्रैटेजी तुहानूं नाल नाल टीच कर रहा हां कि इंपॉर्टेंट फ्रेज या वर्ड नूं ओह कर लो। कोपिंग की हुंदा है, जदों स्ट्रैस वाली इवेंट आउंदी है कि तुसीं उस स्ट्रैस वाली इवेंट नूं मैनेज किद्दां करदे हो, मतलब कि वधी हुई स्ट्रैस नूं किद्दां घटांदे हो, ठीक है, अपने आप नूं चेंज करदे हां जां एनवायरमेंट नूं चेंज करदे हां जां होर बड़ियां स्ट्रैटेजीज ने जिहड़ियां स्ट्रैस कोपिंग ने। इत्थे पर गल हो रही है वूमेन दी, ठीक, इसलिए असीं एग्जाम्पल इहने सीधा डू नॉट किया है, इह गल याद रखनी है, ठीक। इट मीन्स साडे को एक्सेप्टेंस रेजिस्टेंस अडेप्टेशन ये चीजा हन, इत्थे देखदे हां जाके के
मान लो एक लड़की है, ठीक, उसकी मैरिज हो गई, मैरिज होके वो दूसरे घर गई है, ठीक, दूसरे घर गई है, ये इनली न्यू सिचुएशन है, वो लव मैरिज है जहां वो अरेंज है, ये फर्क नहीं पैंदा। बेशक प्यार तो उस शख्स नाल कीता सी ना, पर उस शख्स दे नाल उन्हां नूं बाकी रिश्ते भी मिल रहे हैं, ईवन उत्थे दा फिजिकल एनवायरमेंट मिल रहा, उत्थे दा इमोशनल एनवायरमेंट, उत्थे दा सोशल फैमिली दा एनवायरमेंट, इसलिए बहुत नवी सिचुएशन है। दैट इज वाई फीमेल्स आर ग्रेट, फीमेल्स आर ग्रेट। हुण वूमेन दी गल हो रही है कि जनरली की हुंदा है कि जो न्यू एनवायरमेंट है ओदे उसनू मोस्ट ऑफ द फीमेल एक्सेप्ट कर लेंदियां हन, ठीक है, मतलब अपने आप नू चेंज कर लिया, जो है मैं इस तरह कर लांगी, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज चल रही हन वर्ल्ड दे विच, ओ फीमेल दे इस गुण करके चल रही हन कि ओ एक्सेप्ट कर लेंदी है, ठीक। दूसरा पॉइंट सी देख लीए कि अडेप्टेशन, एक्सेप्टेंस रेजिस्टेंस अडेप्टेशन, एक ए लगा एक ए देना मैच कर रहा है। अडेप्टेशन मीन के अडेप्टेशन स्लो प्रोसेस होंदी है थोड़ी, अडेप्टेशन विच की है कि मान लो दो चार पांच छह सात साल बाद, सात साल कोर्ट भी दिंदी है डिवोर्स वाला काम जेड़ा होंदा ना, सात साल विच जदो ओ इत्थे दियां हैबिट्स उत्थे दियां जेड़ी कल्चर है, फैमिली कल्चर है, उसनू अपना ही समझ लैंदी है पूरा, वो भी उसे तरह करन लग पैंदी है, ठीक है। अडेप्टेशन इसनू सोशलाइजेशन दी प्रोसेस विच इसनू कहिंदे हन, बहुत जरूरी है। इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन हुण ए हैबिट उस दी पर्सनैलिटी दा पार्ट बन गई है, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनलाइजेशन सोशलाइजेशन दे कंसेप्ट नू समझण लई, ठीक है। नेक्स्ट की है कि ए भी कॉमन कैटेगरी बन रहा है। रेजिस्टेंस ते रेवोल्यूशन बचता है, रेजिस्टेंस ते रेवोल्यूशन विच फर्क है। तीजे ओ जदो के हुंदा है कि रेजिस्टेंस दा मतलब है कि जदो घर विच कुछ गलत हो रहा है तो वूमेन उसनू स्टॉप करदी है, करन दी कोशिश करदी है। स्टॉप करन दी दो है, एक तो स्टॉप करदी है, एक तो पूरा विरोध कर दिंदे हन, खत्म कर दिंदे हन। सडन चेंज वैसे कहंदे हन, सडन चेंज और सडन सोशल चेंज रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन विच हथियार भी चक लिया जांदा है, वायलेंट भी होया जांदा है, विरोध बहुत ज्यादा तीव्र हो जांदा है, ठीक है। रेजिस्टेंस विच तुसी नहीं समझांदे हो कि नहीं ये चीज गलत है, जे इस तरह करोगे साडा मेरा भी नुकसान होएगा, तुहाडा भी नुकसान है, बेहतर है। सो किसी ना किसी तरीके नाल उस चीज नू गलत तरीके नू रोकिया जांदा है। सो वूमेन सब तो ज्यादा ये कर रही है, ठीक है। अडेप्टेशन है, सो ये ग्रेटनेस ऑफ वूमेन वाला क्वेश्चन है, और रेजिस्टेंस के कुछ एक वूमेन कर नहीं पाउंदियां, हां पर कर दियां हन, हां रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन नहीं, रेवोल्यूशन रेयर, या दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ना बहुत है, नेक्स्ट वीडियो लंबा हो गया, अगला करते हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चन अजे बनाए हैं जेड़े तुहानू किस तरह के नवे क्वेश्चन आने हैं उदा दे मुताबक, सो मॉक टेस्ट वह भी पावांगा, तुसी टेस्ट कर सकते हो अपने आप नू, नाल नाल मैं वह क्वेश्चन जिन्हां नू डिफिकल्ट क्वेश्चन जिन्हां नू सॉल्व करन वेले तुहानू जिन्हां दे करके असी टीईटी तो रह जाने हाँ, टेस्ट तो क्लीयर नहीं, टेस्ट नू क्लीयर नहीं कर पाते, वह स्ट्रैटेजीज दसांगा कि रैशनल गैस ते रैंडम गैस किस तरह लगाने ने। इस तो इलावा एक वीडियो पावांगा कि नैक्सट क्वेश्चन आने किस तरह के ने, तुहाडी कोई भी नीड होवे, जरूरत होवे, फीडबैक होवे, नैगेटिव कमेंट मेरे बारे हो, प्लीज कमेंट बॉक्स जरूर लिखना। थैंक यू।